कक्षा 10वीं 11वीं गणित कृषि संख्याएं विषय गणित अध्याय समांतर श्रेणी। किसी समांतर श्रेणी में तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है तथा उसका छठवां पद 17 है तो श्रेणी को क्या करो ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो दी गई जानकारी है उसके आधार पर हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही माना। कौन सी? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबरी से e और सर्वांतर जैसा कि हम मानते आए सर्वांतर बराबरी से d है। तब हमारे पास जो दी गई जानकारी है श्रेणी का तीसरा पद, तब समांतर श्रेणी का तीसरा पद हम लिख सकते कुछ इस प्रकार से तीसरा पद लिखना है टी थ्री बराबरी से एन प्लस ए प्लस एन मतलब तीसरा पद तीन ऋण एक गुणित डी। तो तीसरा पद हमारे पास आ जाएगा टी थ्री बराबरी से ए प्लस टू डी। इसी प्रकार कौन सा पद? छठवा पद। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का छठवा पद अगर हम लिखेंगे तो n की जगह पर 6 ऋण एक तो मतलब वो क्या आएगा 5d। तो यह आ जाएगा टी सिक्स इक्वल टू ए प्लस 5d। तीसरा पद ए प्लस 2d, छठवा पद ए प्लस 5d। क्योंकि प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दिया है? प्रश्न की डेफिनेशन को देखे तो उसमें दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तो मतलब टी थ्री की जो वैल्यू दी है वो दी है पहले पद का 4 गुना। पहला पद ए है उसका 4 गुना मतलब 4a। टी थ्री की जो वैल्यू है वो 4a के बराबर। ये जो मान है टी थ्री इक्वल टू 4a और ये जो वैल्यू है टी थ्री इक्वल टू ए प्लस 2d। ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होगी? बराबर। तो इसको चाहे तो कह दे समीकरण एक, इसको चाहे तो कह दे समीकरण दो, क्योंकि समीकरण के एक एक पक्ष बराबर है इसलिए दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण एक किसके बराबर? समीकरण दो के। इसका मतलब है ए प्लस 2d इक्वल टू 4a। ए को इधर पक्षांतर कर दिया तो वो 4a में से घट जाएगा। 4a में से ए घट गया तो कितना बचा? 3a। तो हमारे पास 2d इक्वल टू 3a। इसलिए जब हम d का मान निकालेंगे, किसका मान? d का मान निकालेंगे तो हमारे पास इसलिए d बराबरी से क्या हो जाएगा 3/2a। किसका मान आ गया? d का मान। अब कौन सा पद? अब हमारे पास ये जो पद है t6 इक्वल टू a प्लस 5d। इसमें हम किसका? d का मान रखेंगे क्योंकि क्या दिया है t6 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास में? हमारे पास में दिया है कि इसका छठवां पद कितना है? 17 है। तो t6 बराबरी से कितना? 17। और ये किसके बराबर है? a प्लस 5d के बराबर। और हम जानते हैं t6 किसके बराबर है? a प्लस 5d के। इसका मतलब है a प्लस 5d और 17 आपस में कैसे होंगे? इक्वल। a प्लस 5d और 17 आपस में इक्वल है। ये दोनों के दोनों पद आपस में इक्वल है और d की वैल्यू यहां से लिखेंगे हम में किसके बराबरी से? d बराबरी से 3/2a क्या करने पर? रखने पर। 3/2a को रखिए तो मान हमारे पास मिलेगा
ए प्लस 5 × 3/2 ए इक्वल टू 70। 5 × 3 = 15। हम क्या करें, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें, इससे ये हो जाएगा 2a प्लस 5 × 3 = 15a, 17 × 2 = 34। 15 × 2 जुड़ जाएंगे, तो 15 × 2 को जोड़ेंगे, तो जब 15 × 2 को जोड़ेंगे तो 17 है, मान यहाँ आएगा 17e बराबरी से 34। इसलिए a बराबरी से क्या 34/17, इट मीन्स किसका मान, a का मान, यहाँ पर a का मान मिल गया कितना 2, a बराबरी से 2। अब इस a बराबरी से 2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो d का मान मिल जाएगा, क्योंकि d बराबरी से 3/2 a में a बराबरी से 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा d बराबरी से 3/2 × 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो हमको यहाँ d की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई d बराबरी से कितना 3। a का भी मान आ गया, d का भी मान आ गया, ध्यान दे a और d दोनों पदों के मान कंप्लीट है। जब a और d दोनों के मान आ गए तो हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट कौन सी समांतर श्रेणी, इसके आधार पर हम अभीष्ट समांतर श्रेणी लिख सकते हैं, कौन सी होगी, वो होगी a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d से लेकर, है ना, डैश डैश, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो a पहली श्रेणी होगी, a एक यानी कौन सा, पहला पद होगा 2, फिर होगा 2 × 3, फिर होगा 2 × 2 × 3, इस तरीके से श्रेणी बढ़ती जाएगी। तो श्रेणी का पहला पद 2, 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 8, इस तरीके से श्रेणी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।